गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज ड्यूरिंग द डे मैंने कुछ ट्रेड कॉल दिया था ऑन व्हाट्सएप। एक तो करेंसी में दिया था USDINR पे, दूसरा निफ्टी में दिया था एंड तीसरा बैंक निफ्टी में दिया था। उसी का एक ग्राफिकल और चार्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन व्हाई द ट्रेड कॉल वाज गिवन, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन ऑल्सो टेक योर ओन डिसीजन। तो पहले जो हमने ट्रेड कॉल दिया था करेंसी के लिए एट 934, क्या दिया था? व्हेन मार्केट वाज अराउंड 82.2627 लेवल, 8250 कॉल को सेल करने के लिए दिया था एट 4/4 एंड थोड़ा सा हेजिंग कम मार्जिन बेनिफिट के लिए 83 का कॉल को बाई करने के लिए नेट क्रेडिट आपका मिलने वाला था 3.5 पैसा। उसके बाद मैंने निफ्टी ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप के बेसिस पे आवर्ली वर्सेस 15 मिनट्स का एक ट्रेड कॉल दिया था एट 12:30 बजे। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली आवर्ली वर्सेस 15 मिनट में ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का एक ट्रेड कॉल दिया था। अभी हम उस तीनों ट्रेड को डिस्कस करते हैं। तो मॉर्निंग का जो ट्रेड कॉल था वो 9:34 पे, आइए एक बार रुपी में आ जाते हैं, 9:34 पे क्या था? करीबन आपका डॉलर रुपी समवेयर हियर। मॉर्निंग में क्या हुआ, ये ओपन हुआ था करीबन 1517 लेवल पे, ट्रेडेड हाई ऑफ 2930, देन स्टार्टेड फॉलिंग। 9:34 मींस समवेयर हियर 8215। उस टाइम पे हमने क्या दिया था, 8250 का कॉल को शॉर्ट करने के लिए दिया था एंड उसी का जो ट्रेड है आप देखोगे, मैंने जो ट्रेड लिया था सेल किया था 400 क्वांटिटी यानी $400,000 एट 0488 एंड उसके अगेंस्ट में 83 का जो कॉल है उसको मैंने बायबैक किया था जस्ट टू रिड्यूस द मार्जिन। तो जो 4.88 क्लोजिंग टाइम पे 175 था, जिसके अगेंस्ट में M2M मेरा 12,500 एंड जो मैंने बाय किया था 0112 एवरेज पे, उसका M2M लॉस जो है 2500। सो नेट टू नेट आप देखोगे कि यहाँ पे एक 10,000 का M2M प्रॉफिट है। कल मॉर्निंग में अगर डॉलर रुपी आपका 85-90 के आसपास आता है तो आई विल ट्राई टू बुक दिस वन एट 0.5 पैसा से 1 पैसे के अंदर में, मैं इसको प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। सो ये जो ट्रेड कॉल दिया था, ट्रेड कॉल इज बैक्ड बाय माय ओन ट्रेड। सो ऐसे ही मैंने आपको दिया नहीं था। आप देखोगे ट्रेड मैंने कितने बजे लिया, टाइम भी देख लेते हैं ट्रेड्स का। नौ बज के बीस मिनट पे मैंने ये इनिशिएट किया था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली डेटा पंच करते करते 9:30 हो गया। सो उसके बाद क्या हुआ, क्लोजिंग पे ये डॉलर रुपी कहाँ पे था हमारे यहाँ पे, ये हाँ और एक दिखाते हैं, क्लोजिंग पे फ्यूचर में ये 14 में था आपका 82.1450। तो उसमें आपका यहाँ पे जो है एज ऑफ नाउ 10,000 M2M प्लस है अगेंस्ट 400 लॉट्स, और कल भी अगर मान लीजिए कि 1 पैसा मिल जाता है तो अनदर 4,000 रुपया यानी और 14,000 टाइप्स मीन्स और 4,000 टाइप्स मिलेगा। सो करीबन 13,500 से 14,000 का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। मेरा दूसरा जो जीरोधा वाला अकाउंट है वहाँ पे मैंने मंडे को एक शॉर्ट कैरी किया था, छोटा लॉट था 50,000, तो उसका आज ओपनिंग में ही काफ़ी M2M लॉस दिख रहा था एंड देयर आफ्टर मैंने छोटा छोटा दो ट्रेड लिया है। आपका देखोगे ये 9:16 पे 25 क्वांटिटी 32 में बेचा एंड अगेन आपका
11:36 पे सिर्फ छोटा एक 10 लॉट ट्रेड किया, सो ऑल टोटल 85 लॉट्स मेरा शॉर्ट है, जहां पे क्लोजिंग बेसिस पे एम टू एम लॉस इज 2800 रुपीज। होप अभी डॉलर रुपी स्पॉट जो है 85.90 के आसपास है, सो होप मैं ये आपका बिलो 82 सब 82 में अगर मिलेगा कल ओपनिंग में तो मैं इसको प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूंगा, और एल्स आई विल सी द प्राइस एक्शन। सो डॉलर रुपी का ये जो फ्यूचर है उसको एक्चुअली मंडे वाला जो कैरी ओवर पोजीशन था एंड आज मैंने थोड़ा ऐड किया एक एवरेज आउटिंग, ये हो गया आपका डॉलर रुपी वाला। अभी क्या था हमारा निफ्टी का ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड एंड बैंक निफ्टी का ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड। अभी आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। निफ्टी का 15 मिनट वर्सेस आपका वन आवर का, तो आप देखोगे मैंने जो ट्रेड कॉल आपको दिया था कितने बजे दिया था निफ्टी का, 12:30 बजे, 12:30 बजे बोले तो समवेयर हियर यहीं पे कहीं पे था, ये इस लेवल पे करीबन था 12:30 टू बी प्रेसाइज 12:45 तब ऑलरेडी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ था 12:30 के आसपास ये वाला लेवल पे, तो उस टाइम पे ये जो आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ट्रेड कॉल था जो करीबन आपका इसके ऊपर जाने से मेरा टारगेट क्या था ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड में, ये आपका टारगेट है दैट इज 17,800। मैंने इसीलिए मैंने टारगेट दिया आपका 17,780 से 17,800 का टारगेट ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड, जब आपका प्राइसिंग नियर बाय इस लेवल पे था। मैंने बोला था वंस द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज क्लोज्ड अबव वी कैन एक्सपेक्ट दिस वन। ये हो गया निफ्टी का। अभी आते हैं और एक बैंक निफ्टी का। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी मेरा जो कॉल था 1 बजे का 12:59 पे, उसका भी एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो 1 बजे के आसपास यानी मैं इसको लेट में दिया समय रेयर, ऑलरेडी ये ट्रिगर हो चुका था। यहाँ पे क्या है ट्रेड्स जो है क्या ट्रेड्स है आप देखो वेरी इजी, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो भी ट्रेड कॉल हमने दिया है व्हाट बेसिस पे हमने ट्रेड कॉल लिया। ये प्राइस आवरली जो है अपर बैंड में था, फिर सेंट्रल बैंड सेंटर मीन्स मिडिल बैंड पे और द सेंटर बैंड पे आके फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। जब ये प्राइस सेंटर बैंड में आया उस टाइम पे लोअर टाइम फ्रेम में ये लोअर बैंड में था, सिर्फ उसके बाद लोअर बैंड से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आया, देन ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का आपका क्या बोलते हैं टारगेट मीन्स इनिशिएट ट्रिगर इनिशिएट हुआ एंड उसका टारगेट। सो मैंने जब 1 बजे के आसपास टार दिया था कॉल तब करीबन 41,335 के आसपास था, ये लेवल पे था एंड उसके हाई मेरा मारा कितना आपका 41,626 यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स यहाँ पे मिला आफ्टर द ट्रिगर। एंड आपका जो निफ्टी में था निफ्टी में टारगेट था इसके हाई के ऊपर आपका करीबन 696 के बाद 7767 करीबन 60-70 पॉइंट्स का एक अप मूव मिला। सो रीजन क्या था ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड आवरली वर्सेस 15 मिनट्स। आप किसी को भी अगर ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे YouTube में एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी डिस्कस किया हुआ है, उसको जाके आप गो थ्रू करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हो गया। और एक था कि हमने कल एक SDMA डिस्कस किया था, तो कल हमने एक SDMA डिस्कस किया था, SDMA मीन्स स्टोकेस्टिक्स, उसके बाद आपका
66 and 34 period moving average का combination के हिसाब से। यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो प्राइस इस जोन पे क्या हुआ, पहला बात है 34 इज अबोव 66, दूसरा बात है 66 इज राइजिंग, तीसरा बात है स्टोकेस्टिक्स बिलो 35 आएगा उसके बाद अबोव 35 जाएगा। जैसे ही अबोव 35 गया आपका ट्रिगर हुआ, सो एसडीएमए का यहां पे ट्रिगर आया करीबन 17.6 70 75 का आसपास एंड ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स यहाँ पे ट्रिगर हुआ। आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स मिलता। नाउ अभी हम दिखाते हैं, मैंने उसी बेसिस पे मैंने क्या किया, कुछ ट्रेड लिया 17,600 पुट को शॉर्ट किया था एंड 17,650 पुट को भी शॉर्ट किया था, उसके अगेंस्ट में 17,500 पुट को मैंने बाई करके हेजिंग करके गया एंड ऑल्सो मार्जिन बेनिफिट करके गया। सो यहाँ पे मेरा M2M जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। कल आशा करता हूँ कि मार्केट मेरा कहाँ पे लिया 17,600 एंड 17,650 का पुट, सो कल एक्सपायरी पे इसके नीचे जाने से आई विल बी एट लॉस। अगर ये 17,700, 750, 800 में जाएगा तो पूरा का पूरा प्रीमियम मेरे को मिल जाएगा, यानी यहाँ पे 500 क्वांटिटी पे मींस 10 लॉट पे 15 रुपया एंड अनदर 10 लॉट्स पे 7.5 यानी 10 रुपया। सो यहाँ पे और अनदर 7,000 से 8,000 रुपया मेरा मिलना बाकी है, तो 7,000 रुपया यहाँ पे मिलेगा 7 and 25, तो करीबन 32,000 बाई टेकिंग ए व्यू। यहाँ पे हमने क्या किया, आप देखोगे मैंने 17,650 ये वाला एक स्ट्राइक ये पे लिया, दूसरा वाला स्ट्राइक मैंने 17,600 लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, यानी लोकेशन कहाँ पे, ये स्विंग लो है एंड ये आपका जो मॉर्निंग का लो मारा वहां तक है। कल अगर फ्लैटिश या ऊपर खोलता है आई एम सेफ, मेरा थोड़ा ये M2M जितना भी है लॉस आएगा, कब आएगा जब ये 650 के नीचे एक्सपायरी देगा। बट एज ऑफ नाउ आपका SGX निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, फ्लैटिश नहीं 12 पॉइंट बोले तो 12 पॉइंट प्लस एज ऑफ नाउ, सो फ्लैटिश हम बोल सकते हैं ये वाला 12 पॉइंट 13 पॉइंट। सो फ्लैटिश हो ऊपर जाए आई एम लिस्ट बोदर्ड, मेरा प्रॉब्लम तभी होगा अगर ये 700 के नीचे आना चालू करे तो। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई पोजिशन हाउ आई हैव टेकन द ट्रेड। कल के एक्सपायरी के टाइम पे अगर ये एनीथिंग अबोव 17,650 के ऊपर क्लोज दे देता है तो मेरे को पूरा का पूरा रिमेनिंग 7 से 8,000 रुपये मेरे को पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जब ट्रेड कॉल था इसके बेसिस पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लेट अस ट्राई टू डिस्कस। एक तो है मैं यहाँ पे फ्यूचर बाई कर सकता हूँ, तो ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा। दूसरा वाला क्या है कि मैं कॉल ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ, और तीसरा वाला है कि मैं पुट ऑप्शन को राइट कर सकता हूँ। मेरा पुट ऑप्शन राइटिंग में थोड़ा कम्फर्ट ज्यादा है, इसीलिए आप देखोगे मैंने राइटिंग में किया। सो निफ्टी का जो ट्रेड कॉल था आई हैव एक्सप्लेन्ड, अभी बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरे 20 लॉट्स निफ्टी का शॉर्ट चल रहा है। दैट बीइंग द केस मैं खुद को ज्यादा स्ट्रेस आउट करना नहीं चाहता हूँ, ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे और भी बढ़ाऊंगा मेरा कैपेसिटी, जो है कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो 20 लॉट्स के जगह पे मे बी 50 लॉट्स होगा या 100 लॉट होगा या 200 लॉट्स होगा। जब कैपेसिटी बढ़ेगा मेरा खुद का तब सोचेंगे, एज ऑफ नाउ सिंस आई वाज हैविंग निफ्टी शॉर्ट पुट का शॉर्ट पोजीशंस था इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी डिस्पाइट हैविंग ए ग्रेट ट्रेडिंग कॉल मैंने इसको ट्रेड लिया नहीं। एंड इन द ओवरऑल प्रोसेस एज ऑफ नाउ M2M यहाँ पे 24,000 का है, यहाँ पे 10,000 का है, 34,000 और यहाँ पे 3,000 का लॉस है, यानी 31,000 का मेरा M2M प्रॉफिट है।
और कल अगर ये 650 के ऊपर क्लोज दे देता है, अनदर 7 to 8 thousand मेरे को मिल जाएगा, तो 31 + 7 = 38,000 प्लस यहाँ पे अगर रुपी ये कल और एक पैसा भी मिल जाता मेरे को 4,000 मिलेगा प्रॉफिट 400 लॉट्स पे, क्योंकि करेंटली डॉलर रुपी कहाँ पे चल रहा है आपका ऊपर आ गया और नहीं, ये नहीं, ये है स्पॉट प्राइस 83 पे, ये फ्यूचर जो जहाँ पे हमारा क्लोजिंग दिया था 82.11 का क्लोजिंग दिया था आपका, ये फ्यूचर का करेंसी फ्यूचर्स का। सो इसलिए मैं सडनली कैसे ऊपर आ गया विदाउट एनी, तो डॉलर रुपये अभी 83 है, कल अगर इसी के आसपास 83.90, 80, 90, 95 का आसपास ओपनिंग दे तो ये जो प्रीमियम है ये शायद मेरे को हाफ पैसा मिलेगा एंड मैं पोजीशन स्क्वायर कर लूंगा। सो वहां पे मेरा और 4,000 मिलेगा, सो 7 और 4 11,000, 11,000 and 31,000 is 38,000। और यहाँ पे अगर 90 के आसपास स्पॉट ओपन होता है तो अनदर 8 पैसा इज द प्रीमियम फॉर मार्च, सो 98,000, 98, 81, 98, let it be 82 for मार्च फ्यूचर, सो दैट बीइंग द केस 85,000 इंटू 14 पैसा, सो 11,900, उसमें से आपका 2,800 लॉस निकल जाएगा, अनदर 9,000 यानी 39,000 + 9,000, 48,000 कल अगर मॉर्निंग में एज पर माई कैलकुलेशन चलता है। सो यही जो पोजिशन मेरा कैरी ओवर हो रहा है वो करीबन 48,000 से 50,000 का प्रॉफिट देगा। डेट इज वट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को ये 40,000 या 50,000 बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट है। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ, चाहे वो शुभाशीष पानी हो पावर ऑफ स्टॉक्स का, या चाहे वो घनश्याम सर हो आपका आर्ट ऑफ ट्रेडिंग या घनश्याम टेक का हो, वो लोग लाखों करोड़ों में पीएनएल दिखाते हैं, मीन्स प्रॉफिट बनाते हैं, दिखाते नहीं बनाते हैं। तो हम भी चाहेंगे इन फ्यूचर ऐसा कुछ करने का, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सो उनके कंपैरिजन में ये 25,000, 50,000 कुछ नहीं है, नथिंग। सो माय इंटेंशन इज नॉट टू शो द पीएनएल, ये कुछ नहीं है, मेरे को और भी आगे जाना है। एंड आप लोगों का ब्लेसिंग्स, आप लोगों का गुड विशेस मुझे चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि मैं जो आप लोगों को ट्रेड कॉल दिया हूँ करेंसीज में, निफ्टी में एंड बिंग निफ्टी में, करेंसीज में मैंने पोजीशन लिया वही दिखाया, निफ्टी में भी मैंने पोजीशन लिया वो दिखाया, बैंक निफ्टी में मैंने पोजीशन लिया नहीं वो भी मैंने दिखाया, कारण मेरा कैपेसिटी ऑलरेडी 20 लॉट्स का शॉर्ट था, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में लिया नहीं था। सो यहाँ पे दिखाने का यही है, वट एवर ट्रेड कॉल ट्रेड्स आई हैव डिस्कस्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप, आई हैव टेकन द पोजीशन, आई हैव टेकन द ओनरशिप एंड एग्जीक्यूटेड। सो आप लोगों को मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करता हूँ ये ऐसे ही बोल नहीं देता हूँ। पहला बात है आपको मैं ट्रेड कॉल देता हूँ, दूसरा बात है मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, तीसरा बात है मैं खुद उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेता हूँ, एंड फाइनली इन द इवनिंग प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता हूँ, दैट इज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द माइंड क्या चल रहा है, कैसे पैसा बनाया जाता है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।